ओम शांति। आज 18 मार्च 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मोस्ट बेलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां। मीठे मीठे बच्चे, मोस्ट बेलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां क्या है? आज बाबा सेवा की युक्तियां बता रहे हैं। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो। एक्यूरेट शब्दों में अलफ माना अल्लाह, तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात जो सारी दुनिया को परमात्मा से दूर करने वाली है वो है परमात्मा को सर्वव्यापी कहना। प्रश्न, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चे हैं उन्हों का फर्ज क्या है? ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया ये समझ देना। तुम बच्चों का फर्ज है सबको रावण के बैर चुगने से बचाए, ज्ञान रत्न चुगाने हैं। बैर चुगने से बचाए, ज्ञान रत्न चुगाने। बैर नहीं होते हैं, बैर और दूसरी तरफ ज्ञान रत्न। ये जो भक्ति में जाते हैं तो बाबा कहते हैं वो रावण के बेर चुगने जाते हैं, मजा लेने जाते हैं। दुखी हैं संसार के, वो है बेर की तरह, ठीक है। और ये है ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्न। वो इस संसार के झूठे सुखों में अपने सुख ढूंढ रहे हैं। हमारे पास महल हो, मकान हो, ये साधन हो, ये साधन हो, ये साधन हो, ये साधन हो, वो सारे साधन किसके लिए जरूरत है? नाशवान शरीर के लिए। कितने भी इकट्ठे कर लो, कितने भी इकट्ठे कर लो, वो सब बेर की तरह। यही मौत का कारण बनेंगे, यही साधन मौत का कारण बनेंगे। वही बिल्डिंग उनके कब्र बनाएगी। टर्की में बन गया ना वही बिल्डिंग, वही एरोप्लेन क्रैश होकर के ओम शांति करे। और यही जो गैस का साधन है, खाने को नहीं मिलेगी, मौत का कारण बनेगी। पाकिस्तान में भाई 3 दिन से गृह युद्ध चल रहा है। इमरान जो है वो अपने के अंदर ऐसी कोई स्थिति बना रखी है जो पुलिस और आर्मी दोनों तंग आ गई, मिल नहीं रहा है। और गवर्नमेंट को उसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि मुझे मारा ना जाए, ये मुझे खत्म करना चाहते हैं।
मुझे बता दें, मैं स्वयं ही हाजिर हो जाऊंगा। तो अब देखिए वहां दो पार्टी हमारा हमारी और एक दूसरी दुनिया भर रही, पाकिस्तान अफगानिस्तान तीन देशों में जो हाल है, और इस तरफ नहीं खाने के लिए राशन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, गाड़ियां सब बंद कर दी, एयरोप्लेन बंद कर दी, क्या कंडीशन हो रही है। और जो यहाँ से पहले जो प्रधानमंत्री था वो उसमें ब्रिटिश के अंदर जाके बैठ गया, बीमार हो, उसको 7 महीने 7 साल की जेल हुआ था, वो वहां जाके अपना ट्रीटमेंट बहाने चला गया, वो वहां प्लान बना के और इसको मरवा, इसका भाई अभी जो प्रधानमंत्री बना हुआ है। जो भी है देखिए, मतलब क्या है ना कि चारों तरफ हाहाकार होने, ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए, ज्ञान रत्न चुगाने हैं, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वे रचते, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता जो रचता है वे मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं, मनुष्य ही उनको बाप कह देते हैं, बुलाते हैं, बाप कहे बुलाते हैं, क्योंकि दुखी हैं। परमात्मा को सारे बाप कहकर बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, दुखी। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वे रचयिता ही सबका बाप ठहरा, सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को ना अपना और ना बाप का परिचय, ना अपना और ना बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझें कि हम किसकी संतान हैं, हम किसकी संतान हैं, हम परम पिता परम आत्मा की संतान है। वे बाप रचयिता है, तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वे नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी, बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचें ये हो नहीं सकता। भगवान भी आकर के सारे संसार की आत्माओं का बाप आकर के दुख की रचना रचे ये हो नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहां होने चाहिए ना, स्वर्ग में होने चाहिए ना, या परम धाम में होने चाहिए। परंतु हमको यहां पाठ बजाने आना पड़ता है, यहां पाठ बजाने आना पड़ता है। ये है विचार सागर मंथन करने की युक्ति। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते हैं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए।
वे निर्वाण धाम है, हम सब आत्माओं का घर, जहां बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग ना होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं। यह धारणा नहीं हो सकती है बाप को याद नहीं करते हैं। भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। वे है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचयिता। वहां बहुत सुख है और यहां दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहां तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते नहीं, बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं, अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वो बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वे निराकार इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ब्राह्मण, ब्राह्मणियां भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परमपिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। अब अलफ, जब अलफ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अलफ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वे भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों को की समझाने तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझेंगे। ऐसे कोई समझाएगा कि वे बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा, जरूर कोई नरक का रचयिता भी कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा, कोई एक होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे, रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते हैं और ना पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं। बिल्कुल ही अनजान है। फार्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ये प्रश्न और कोई पूछ नहीं सकता। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं। पुण्य आत्मा कौन बनाता है? बाप ही बनाते हैं। किसको कहा जाता है पुण्य आत्मा? किसको कहा जाता है पुण्य आत्मा? नहीं, हां जी कौन बताएगा पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है?
पाप आत्मा किसको कहते हैं? हाँ, पाप क्या होता है? पाप किसे कहते हैं जी? पाप किसे कहते हैं? विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म तो मतलब देश करते हैं, देश समझ कर करते हैं। क्या हो गया देश समझ के किया तो? पाप कर्म हो गया? नहीं, पाप कर्म वो होता है, विकर्म वो होता है जिससे मेरे सहित किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे, मेरे को या किसी भी आत्मा को यदि दुख पहुंचता है वो पाप कर्म। अब ये क्या समझ कर किया गया ये बात अलग है, और पुण्य क्या है? ऐसा कर्म मेरे सहित सबको सुख, मेरे को भी, ये नहीं कि मैं दूसरों को सुख दूं और मैं खुद दुखी हूं तो वो भी पुण्य का कर्म नहीं है। मैंने बाकी सबको सुख दिया, अपने ऊपर मैंने दुख ले लिया, वो भी पुण्य नहीं है। पुण्य कर्म वो है जिस कर्म के करने से, जिस बोल के बोलने से, जिस संकल्प को करने से मुझे भी सुख मिले और सबको भी सुख मिले, तब वो पुण्य कर्म कहलाएगा। जिस कर्म को करने से मुझे या किसी को दुख मिले वो पाप कर्म। तो परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा बेहद का बाप है जो आकर ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिससे हम स्वयं सहित सबको सुख देने वाले बन जाते। ये कोई और सिखा नहीं सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। गाने को गाते हैं, कहने को कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, परंतु कहने कहने तक है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं। ब्रह्मा कुमार बन के भी यदि वैसे ही हैं तो वो ब्रह्मा कुमार ही नहीं है। कहने को कहलाते रहे कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, परंतु मैं भी यदि किसी को दुख दे रहा हूं, मेरे संकल्प बोल कर्म से दुख मिल रहा है, मैं बाप की श्रीमत को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं अवज्ञा हो रही है। और ब्रह्मा का जहां अवज्ञा हुई, बाप का कहना नहीं माना, वो बाप कहेगा ये मेरा बच्चा, ये उसका कहना मानता है, मेरा कहना मानता नहीं है, ये मेरा बच्चा, कहने को कहता रहे मैं उसका बच्चा हूं, कहते रहो, हम कहते रहो भाई। यार ये सीरियल चल रहा है अपना ऊंचा का, हां आप देखते हैं ना, ये मुझे पता नहीं, साढ़े सात से आठ के बीच आता है शिवानी और बाबा, कौन सा बाबा? दस गाना बताती है जीव का कल्याणकारी, प्रभु को प्राप्त करने वाला। वो जो है शिवानी बेचारी का नाम बदनाम होने वाली बात है, शिवानी नहीं कर रही है वो, फोटो तो उसी का रहता है बाबा का। अब मैं लगा दूं उसका फर्क, मैंने पैसे कमाने के लिए ये धंधा बना लिया, शिवानी का फोटो लगाओ मेरे गाने चलेंगे, सारी दुनिया उन्हीं गानों को सुनेगी, ठीक है ना। मतलब अब शिवानी क्या करेगी, शिवानी का फोटो कहीं से भी उठाओ और चिपका दो और मेरा चैनल मेरा चल रहा है, मेरे पैसे कमाई हो रही है, जितना पैसे जितना लोग देखेंगे उतना मेरे को फायदा होगा, मेरा नाम फेमस होगा भाई मेरे, मैं क्या बता रहा हूं। परंतु कहने का तरीका जिसके कारण लोग जबरदस्त उसको सुने, और कुछ भी नहीं, मतलब ये सारे के सारे स्टंट हैं, हाँ कमाई के धंधे हैं। और क्या ऐसा है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनको जो पैसे नहीं कमाते, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए ही हैं, ठीक है ना। और अब जैसे मैंने है इस मेरे चैनल पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, पैसे आते हैं, परंतु मैंने मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट हटा दी कि मत लगाओ,
ये बात आती है, क्योंकि मैंने इसको ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, तो उसके बाद मैंने एड्स हटा दिए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए होते उनको एक दो एड पहले पहले दिखाई देती है, हाँ पैसे खाते में आते, परंतु बात सारी ये होती है क्योंकि उसमें यह क्या है कि मैं इसको डिलीट करने गया तो बोले फिर आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम कम तो कर सकते हैं ना, ज्यादा नहीं तो कम तो कर सकते हैं, बाकी हमारा मतलब पैसे कमाने से नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना इस प्रकार के जो है ना वीडियो दुनिया बनाती है, एक इनका नहीं है, बहुत है दुनिया के अंदर जो ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे ताकि वो देखें, अमिताभ बच्चन मरने वाला है, मर गया, देखो वो रोते हुए जा रहे हैं, फलाना वो, ऐसे ऐसे स्टंट लिखेंगे, सारी दुनिया उसको देखेगी और वो समझेंगे भी है ना ये जरूरी है देखना। बाकी गाना सुनने से मिलना क्या है, कितने भी गाने सुन लो, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी सुख तो मिलेगा परंतु जीवन में परिवर्तन तो नहीं आएगा। कहा जाता है ना पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं, ये जरूर समझाना पड़े कि पुण्य आत्मा कौन बनाता है और पाप आत्मा कौन बनाता है, ये समझाना चाहिए। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो, वे तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, रचते होंगे, रचते इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए, सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात नहीं उठती। वे परमात्मा यदि सर्वव्यापी है तो परमात्मा सबको पतित बनाता है, परमात्मा सबको पावन फिर कैसे बनाएगा, सारी दुनिया पतित बन गई है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा ने सबको क्या बना दिया, पतित बना दिया। सर्वव्यापी है फिर तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो याद तो उसको किया जाता है जो सामने ना हो, जो दूर हो, सर्वव्यापी है तो उसको पूछ लो भाई बता क्या करें, फिर किसको बुला रहे हो, किसको याद कर रहे हो, किसकी माला जप रहे हो। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं, उनको कहो ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं और ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर उससे ऊंचा होगा, ब्रह्मा वल्द, वल्द जानते हो क्या होता है, वल्द उर्दू का शब्द है, सन ऑफ, किसका पुत्र है बेटू, तो श्री ब्रह्मा बाबा किसका किसका बेटा है, वल्द, परम पिता परम आत्मा शिव, सन ऑफ शिव बाबा, ठीक है, भगवान का पुत्र वे है, आत्माओं का पिता वो है, वो है प्रजापिता, ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव बाबा है आत्माओं का पिता, वो है जीव आत्माओं का पिता। लेखराज का बाप भी कोई है, हाँ उसका नाम था मूलचंद, तो उसके चाचा का नाम था, परंतु उसके बाप का नाम भी होगा, हाँ नहीं वो तो मतलब बाप का नाम भी टीचर था इनका पिता, और माँ तो बचपन में चली गई थी, और बाप को तो इन्होंने नाम तो है तो मेरे को याद नहीं आ रहा किसका, वो आपको बताया ना शिववंशी अलगा के सारा पूरा बताते रहो, ठीक है ना, ये आत्माओं का, हाँ
सोनिया ने क्वेश्चन पूछ लिया था ना, आत्माओं का पिता वे है प्रजापिता, वो है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं, उनको ज्ञान रत्न देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुगाते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाता है, शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं, चाहे शिव का चित्र हो चाहे देवताओं के चित्रों, सब पत्थर के, पत्थर को पूजते हैं, पूजते पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थर को पूजते पूजते क्या बन गए, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है, जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे, भी राम की मूर्ति बना रखी है तो कभी राम आया होगा, कृष्ण की मूर्ति बना रखी है तो कभी कृष्ण आया होगा, जिन भी देवी देवताओं की मूर्तियां बना रखी हैं वो कभी रहे होंगे, तो शिव भी कभी रहा होगा, परंतु ना तो राम की जीवन कथा जानते, ना कृष्ण की जीवन कथा जानते, ना शिव बाबा की जीवन कथा। जितनी मूर्तियां बना रखी हैं किसी एक की भी जीवन कथा को, कभी तो परमात्मा ने आके पढ़ाया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी, उसका भी मंदिर बना रखा है, इनके लिए गायन है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली, गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी सरस्वती। उन्होंने फिर सरस्वती को क्या दे दिया, बेंजो दे दिया, स्टार बजाने के लिए दे दिया। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए, जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है, जिसको भाषण करना है तो ये बातें बैठकर सोचेगा, जिसको नहीं करना उसे क्या जरूरत है सोचेगा, किसको भाषण करना, पढ़ाते रहे, हाँ ये मुसीबत है। मतलब हमारा काम थोड़ा है कि हम भाषण करें, हमने तो सिर्फ सुनना है और नहीं घर चले जाना है बस, हाँ सुनाने का काम तो है ही नहीं हमारा, हमने तो रोजाना सुन के चले जाना है बस, और कुछ करना थोड़ा है हमने, सारे सेवा से नहीं ले रखी और किसी ने ले ही नहीं रखी, भाई ने ठेका ले रखा, हम क्या करें, हम तो आ जाते सुनने के लिए। बाबा तो रोज कह रहा है सुनाओ, बाबा कब कह रहा है कि नहीं सुनाओ भाई, बाबा तो रोज आना कह रहा है कि सुनाओ, पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए, पहले उसको लिखो, उसे और शुद्ध करो। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं, जरा भी हिचका तो आबरू चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी, पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहां भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसी को बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है, विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, वे कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार, पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र यज्ञ भी मशहूर है,
इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? ज्ञान सुनाते ही रहते हैं, यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं। बताया था ना, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रामायण, एक तरफ रामायण पढ़ी जा रही है, एक तरफ भागवत पढ़ा जा रहा है, एक तरफ गीता पढ़ी जा रही है, दूसरे पुराण पढ़े जा रहे हैं, और एक नहीं पढ़ रहा है, मतलब रामायण पढ़ने वाले भी 10-15 बिठाए हुए हैं, भागवत पढ़ने वाले भी 10-15 बिठाए हुए हैं, गीता पढ़ने वाले भी 10-15 बिठाए हुए हैं सारे, और सबके सामने क्या बोलते हैं माइक रखे हुए हैं, और उधर जो हवन कर रहे हैं वो उनके सामने भी माइक रखे हुए हैं, सारे एक साथ बोल रहे हैं, किसी को ना समझ आवे क्या बोल रहे हैं। मतलब बात सारी होती ना, इधर से रामायण की आवाज, सारे के सारे कमल नेहरू पार्क में बैठे थे, मतलब एक ही कमल, देखा होगा कमल नेहरू पार्क कभी गए होंगे, मतलब कितना भी बड़ा पार्क को समझ लो, कितना भी बड़ा पार्क हो, जहां पर स्पीकर लग जाए और जहां पर सारे ऐसे बैठे हुए हों, स्टेज लगा के तख्त लगे हुए हैं, इधर वो पढ़ रहे 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 हैं, पब्लिक बैठी नहीं है इतनी, पब्लिक कम है, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, मतलब सुनाने वाले ज्यादा है और पढ़ाए जा रहे हैं, वो लगातार बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मतलब तब मैं ज्ञान में नहीं था, मतलब वो तो वो हवन वो यज्ञ नहीं करते, ये यज्ञ तब हुआ था कमल नेहरू पार्क में, उसके बाद गुड़गांव में यज्ञ नहीं हुआ, अब किसने करवाया था कैसे करवाया था वो एक अलग बात थी। तब हमारा जो मदनपुरी वाला मकान था, यहाँ पर यहाँ से रेलवे स्टेशन पर लाइन कोई मकान नहीं था बीच में, हाँ उस समय की बात है, तो उस समय मतलब सारी बहनों के सिर पर कलश और भाइयों के सिर पर गीता रख के पूरे गुड़गांव की परिक्रमा भी निकाली गई थी, तो वो उधर से भी वो निकले थे, सभी भाइयों के सिर के ऊपर गीता और सब बहनों के सिर के ऊपर कलश। 88 में बना, 86 में लिया था। तो हमें समझ में आना चाहिए, मतलब कि वो रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, सारे शास्त्र बैठकर सुनाए जा रहे हैं, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्या फायदा हो रहा है, क्यों कर रहे जा रहा है ये सारा काम, उनको पता ही नहीं बेचारों को, वास्तव में रुद्र यज्ञ ये है, ये यज्ञ तो बहुत समय चलता है, वो तो 15 दिन हफ्ता 10 दिन चला लेंगे, घी के टीन जला के रख देंगे देसी घी के, उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा, 1 महीना चला लेंगे, ज्यादा ज्यादा पैसा ज्यादा होगा तो, ये तो देखो कितना समय चलता है, इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं वे खत्म होनी हैं, ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म, कितना बड़ा यज्ञ है, कितना बड़ा, ख्याल तो करो, जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सब आत्माएं वापस परम धाम जाए, पहले आत्माएं परम धाम जाएंगी या शरीर स्वाहा होंगे, पहले आत्मा जाएंगी बाद में शरीर साफ होते रहेंगे, वो बटन धाम दबा के चले जाएंगे बस, जब लास्ट होगा तो आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाएंगी और सारे शरीर स्वाहा हो जाएगा, बम किस लिए रखे, जैसे जो मिसाइल जो चलाएंगे वो कौन उठाएगा, इतने सारी लाशें चार तरफ पड़ी होंगी, इसीलिए तो मर्जीवा भोग लगा के जा रहे हैं, जो अब जिन्होंने अपना क्रियाक्रम अपने आप मर्जीवा भोग लगा के आओ और
हाँ पता लग रहा है बात, हमारे बात तो किसी ने करना नहीं है, इसलिए पहले पहले लगा लो अपना मर्ची वाको। अब की बार जाएगी लगवा लेगी, तब तक जिंदा ना रही तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ। कोई पीछे वाला पता नहीं क्या करेंगे, आधा अधूरा ऐसा सच। वो फिर ज्यादा दिन नहीं दिएगा, शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएं, जब तक बाप ना आए तो पतित से पावन कैसे बने, माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे। कोई तो चाहिए जो माया की जंजीरों से लिबरेट करे, कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी ही बैठकर ज्ञान देते, परमात्मा सर्वव्यापी है वो आकर बैठकर ज्ञान देते हैं ऐसा, वे तो आते, हम उनकी संतान पुत्री हैं। श्री वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, हम उनके क्या हो गए, पुत्र। वास्तव में हो तुम भी, अब वे बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम हैं राजयोग राज ऋषि, राजयोग ऋषि, वे हैं दुनिया वाले हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है, वे है सब भक्ति मार्ग की बातें और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की आज कुछ कथा है, भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सारे भक्ति के शास्त्र और दूसरी तरफ है एक ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र। एक तरफ वे सब डालो, दूसरी तरफ गीता डालो, वास्तव में वे भी कोई हमारी है नहीं, वो गीता भी वास्तव में कोई हमारी है नहीं। हमारी तो है ज्ञान की बात, जिसको कहीं भी रखो वजन कुछ नहीं, गीता को रखेंगे तो वजन होगा थोड़ा बहुत। गीता का भगवान आता ही है सदगति करने के लिए, तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए, फिर कोई समझे न समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, इस ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता, परम आत्मा पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण, वे तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चा पैदा हो, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो तब तक उसको बाप नहीं कहते। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो तो बाप बन ही नहीं सकते, उसको फादर कैसे कहा जाए, लॉ नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, हाँ जी उनके बच्चे चाहिए तब फादर का। कृष्ण की तो शादी नहीं हुई, तो
राधा के साथ शादी उसकी हुई नहीं है, रुक्मणी के साथ दिखा दी है, सत्यभामा के साथ दिखा दिया है, 16,108 कुमारियों के साथ दिखा दिया है, जो कैद में पड़ी थी उनको छुड़ा के लाया था। वे तो फिर गृहस्थी हो गया, शादी कर ली, बालक पैदा कर लिया, तो गृहस्थी हो गया। यहां तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं, वे कभी गृहस्थी में आते ही नहीं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परम आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहां ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूं, ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए, वर्ण भी मुख्य हैं, चक्र में भी वर्ण दिखलाते हैं, ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उनके ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है, कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं और उनसे जास्ती क्षत्रिय। ब्राह्मणों से जास्ती कौन है? देवता है। ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, परंतु ब्राह्मणों से ज्यादा है देवता है। ये लाइन नोट करने वाली, सतयुग में देवताएं बहुत ज्यादा होंगे, परंतु ब्राह्मण कितने होंगे? फिर ब्राह्मण काम क्यों हुए? क्योंकि बाबा का कहना पूरा मानने वाले सच्चे ब्राह्मण वो पहले टॉप के देवता बनेंगे, बाकी तो सारे ब्राह्मण आखिर तक जो आएंगे वो, बाकी तो जो भी बनेंगे तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो? इन थोड़ों में भी वे बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहे। ब्राह्मणों में भी थोड़े, वो थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ेगा कब? अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है, अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती, वे है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। और तो कोई भी उठ आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राज योग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य
तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार किसे पढ़ाते। भगवानों वाच भी है बरोबर, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा, कोई शरीर का लोन लिया होगा, तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना। पहले बाप का क्या देना चाहिए? युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर ना पड़े तब तक कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम तक को तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है तो उनको समझाना चाहिए, कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते, परमपिता परम आत्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं, बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परम आत्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए अजीव का प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता है। सो भी समझ कर विघ्न डालते हैं, बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं। वे तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो, पहले मात पिता फिर बाप दादा। मात पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर ये हो गए बाप दादा, फिर कहते हैं जगत अम्बा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे पहली गुह्य बात है जिसको समझने से मनुष्यों को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिक्की लदे, जिस ये है दूसरी पहली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ये भी नई पहली है। एक एक बात में अच्छी पहली, एक एक बात में अच्छी पहली। अच्छा सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी रीति धारणा करने के लिए
एक बाप से बुद्धि योग लगाना। जोड़ने की मेहनत कर, वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन, मार्ग के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में क्या लगाओ, बिंदु, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल कर्म सब समर्थ हो जाएंगे, बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। कहां से निकलना पड़ेगा, जंगल से। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है बाबा, शब्द की डायमंड चाबी, ये शब्द ही डायमंड चाबी है। इसको साथ रखना है तो सारे खजाने अनुभूति होते रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें। ओम शांति।